जय गुरुदेव। आप सब लोगों को एक बार फिर से इस नए एपिसोड में गुरु सियाग योग के गुरु करिले आप समान, एक बार फिर से हमारे साथ गुरु भाई ओम प्रकाश गर्ग। बहुत बहुत जय गुरुदेव। आपके अंदर बैठे गुरु जी को प्रणाम। बताएं गुरु भाई, बहुत अच्छी शुरुआत है और एक सप्ताह के बाद पिछला जो एपिसोड था उसको करीब 2500 लोग ऑलरेडी देख चुके हैं और दसियों कॉमेंट्स आए हैं और सब यही कह रहे हैं कि भाई इन गुरुदेव गुरु भाई के अंदर है क्या, तो आपके अंदर क्या है, वहीं से शुरुआत करें गुरु भाई और आज की चर्चा शुरू करते। मंच आपको मैं हैंड ओवर करता हूं। सच्चिदानंद रूपाय पर ब्रह्म परमात्म स्वरूप समर सद्गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग साहब के चरण कमलों में बार बार नमन वंदन। शिव अवतारी महायोगी बाबा श्री गंगाई नाथ जी के चरण कमलों में बार बार नमन वंदन। सभी गुरु भाई बहनों को भीतर विराजमान गुरु तत्व को नमन। मानव मात्र के भीतर विराजमान गुरु तत्व को नमन। जय गुरुदेव। गुरु भाई जय गुरु, जय गुरु जी। गुरु भाई जी जय गुरु जी। सभी गुरु भाई बहनों को जय गुरु जी। तो पिछली जी गुरु भाई जी आप शुरू करें गुरु भाई। पिछली बार चर्चा कर रहे थे आनंद पे चर्चा कर रहे थे। गुरुदेव की कृपा से आनंद परमात्मा आनंद स्वरूप है, आनंद हमारे भीतर विराजमान है। आनंदा देव खलिमान भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवन्ति आनंदम प्रयान्ते असम विसंति। उपनिषद कहते हैं आनंद से ही सरासर सृष्टि उत्पन्न हो रही है, आनंद में ही सरासर सृष्टि जीवित है स्थित है और आनंद में ही सभी प्राणी सुषुप्ति काल में मोक्ष स्वरूप और प्रलय काल में प्रवेश कर जाते हैं। सब कुछ आनंद ही आनंद है, फिर भी आनंद क्यों नहीं प्राप्त हो रहा, इसी बात पे विचार कर रहे थे गुरुदेव की कृपा से, इसी बात पे चर्चा कर रहे थे। फिर भी मन आनंद में क्यों नहीं, आनंद प्राप्त होते हुए भी क्यों नहीं प्राप्त होता, क्योंकि हम मूल इसी बात पे विचार उठा था कि हमारे चिंतन में हमें पवित्रता नहीं है। हम विषयों का चिंतन करते रहते हैं, व्यर्थ और अनात्म का चिंतन करते रहते हैं और हम राग और द्वेष में जीते हैं। राग और द्वेष के कारण हम जिनसे राग करते हैं उनसे हमें आसक्ति हो जाती है, ममता हो जाती है और जिनसे हमें पराया समझते हैं उनसे हमें द्वेष घृणा ईर्ष्या हो जाती है। बस हम इसी कारण हम उसमें आनंद में प्रवेश नहीं करते। गुरुदेव बताते ना कि भैया सर्वम खलविदम ब्रह्म तत् जलानित, उस सर्वम खलविदम ब्रह्म की अनुभूति करानी, अर्थात एक ही तत्व। हम एक तत्व नहीं अनुभव करके और भिन्नता अलगता भेद अनुभव करते हैं, इसलिए हम आनंद में नहीं जी पाते। हमें एक तत्व का एक ही ईश्वर का बोध करना होगा। वेद तो यहां तक कहते हैं न हस्यति द्वेष सिद्धि रात में सिद्धो आदित्य, द्वेत की सिद्धि नहीं है, अद्वैत आत्मा ही सिद्ध है, दूसरा है ही नहीं। सब जब परमात्मा को ढूंढने निकलते हैं तब यही बोध करते हैं कि यह भी नहीं यह भी नहीं यह भी नहीं। वेद कहते हैं यह भी नहीं यह भी नहीं यह भी नहीं यह भी नहीं। जब सब ढूंढते 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 जब शेष रह जाते हैं तो शेष सिर्फ स्वयं जानने वाला रह जाता है, अन्य कोई नहीं रहता। तो जानने वाला ही अपने आप में स्थित है और दूसरा कोई नहीं। जिसको नहीं 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 कहते हुए ढूंढता है तो सब नश्वर निकलता है, एक सिर्फ अपना आप अपना आपा आत्म तत्व गुरु तत्व ईश्वर तत्व
परमात्मा तत्व, हम नाम उसका कोई भी दे दे, वो एक ही तत्व शेष रहता है। वेद कहते हैं तमेकम जानात आत्मान मन्य वाचो विमुस्त, उस एक आत्मा को जानो, अन्य बातों को छोड़ो। जीव साधक को चाहिए कि सावधान रह करके आत्मनिष्ठा। इसलिए गुरुदेव हमें हमें अपनी आत्मा को जानने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, बता रहे हैं आप अपने आप को जगाओ, अपनी शक्तियों को जगाओ। मैं आपको कुछ दूंगा नहीं, गुरुदेव अपने अमृत वचनों में यही कहते हैं। यह वाणी कितनी रहस्यपूर्ण, कितनी महत्वपूर्ण है। मैं आपको कुछ दूंगा नहीं, कोई गुरु कुछ नहीं नहीं दे सकता। यदि कोई ऐसा दावा करता है, कहता है कि मैं देता हूं, तो वो झूठा है, वो गलत है। मैं तो नहीं कहता भाई मैं तुम्हें कुछ दूंगा, क्यों? दूसरा तो होगा तब देगा ना, कौन किसको देगा, कैसे देगा? तत्व तो एक ही द्वैत है ही नहीं। वेद तो कहते हैं नान्य अतो अति दुष्टा, नान्य अतो अति श्रुता, नान्य अतो अति मंता, नान्य अतो अति विज्ञाता। उस अन्य कोई देखने वाला नहीं, अन्य कोई सुनने वाला नहीं, अन्य कोई मंता मनन करने वाला नहीं, नान्य अतो अति विज्ञाता, उससे अलावा अन्य कोई जानने वाला नहीं। तो फिर कौन? एक ही है वो जानने वाला है, एक ही है वो देखने वाला है, एक ही है वो मनन करने वाला है, एक ही है वो जानने वाला है, विज्ञाता। फिर कैसे कौन? इसलिए हम राग और द्वेष में जीते हैं, क्योंकि हम उस एक अपने स्वरूप को नहीं जानते। इसलिए गुरुदेव कहते हैं मैं आपको कुछ दूंगा नहीं, मैं तो सिर्फ कांच में मुंह दिखाऊंगा, तुमसे ही तुम्हारा परिचय कराऊंगा। कितनी रहस्यमय बात। आज हम हर बात पे, हर कार्य में बाहर का और दूसरों का सहारा लेने की हमें आदत बनी है, क्यों? कि हमारे भीतर भी कोई मौजूद है, हमारे भीतर भी कोई विराजमान है। हमें इस बात पे भरोसा नहीं बनता, हमें गुरु के इन वचनों पे विश्वास नहीं बनता। इसलिए हम हर समय बाहर कुछ न कुछ किसी से टटोलते रहते हैं, किसी से किसी की खोज में लगे रहते हैं। जबकि गुरुदेव साहब अपने वचनों में कहते हैं बाहर से किसी से मदद की उम्मीद मत रखना, जो कुछ है वो भीतर है। जब गुरुदेव ध्यान कराते हैं तब कहते हैं भैया आंखें बंद कर लो, क्योंकि बाहर के नजारे आपको प्रभावित करेंगे। क्यों? क्योंकि आंखें खुली रहती है तो मनुष्य का ये मन का स्वभाव है कि जिस पे दृष्टि पड़ती है उसका ही वो चिंतन करने लग जाता है। कौन व्यक्ति काला है, गोरा है, स्त्री है, पुरुष है, बच्चा है, बुढ़ा है, जवान है, जिसके सामने जैसी दृष्टि दिखती है उसी का चिंतन करने लगता है। क्यों क्यों करता है चिंतन? क्यों? मनुष्य नाम इसी कारण पड़ा। सदग्रंथ कहते हैं मनने की मनुष्य, मनुष्य इसलिए नाम पड़ा जो निरंतर मनन करता ही रहता है, बिना मनन किए कुछ रह नहीं सकता, निरंतर मनन करता ही रहता है। इसलिए गुरुदेव कहते हैं बाहर के नजारे प्रभावित करेंगे, आंखें बंद कर लो, ताकि बाहर का चिंतन थोड़ा हट जाएगा तो फिर भीतर थोड़ा जुड़ने में सुविधा होगी, नहीं तो बाहर का ही वो सामना उसी का चिंतन चलता रहेगा और चिंतन होता ही नहीं रहेगा। इसलिए प्रथम आंखें बंद इसलिए की जाती है कि बाहर के चिंतन से, जो नश्वर के विषयों के चिंतन से, जो दृष्टि के चिंतन की जो आदत पड़ी हुई है उससे कुछ छुटकारा मिलके अंदर कुछ चिंतन की प्रक्रिया चलाई जाए, अंदर कुछ मन को अंदर ही कुछ टटोलने की आदत बनाई जाए, अंदर से कुछ जुड़ने का तरीका उसे एहसास कराया जाए। तो गुरुदेव ये बात जो कहते हैं, मैं तो सदगुरुदेव भगवान जी के बार बार वचनों को सुनता हूँ, बार बार सुनता हूँ और उन विचारों पे बार बार मनन करता हूँ कि वो हर बात में क्या कहना चाहते हैं।
वो क्या समझाना चाहते हैं। उनके वचन वेद वाक्य है, वेद वाक्य। जब मैं सुनता हूं तो गुरुदेव ऐसी ऐसी रहस्यमय बातें कहते हैं कि हम उन बातों को जब तक गहराई से वो समझा नहीं देते हैं, वो कृपा नहीं करते हैं, तब तक हमें वो बातें उनकी समझ में नहीं आती। गुरुदेव कहते हैं करना कराना कुछ नहीं है, सब कुछ किया कराया है, बस आपकी जानकारी में। मैं कई गुरु भाइयों से मिलता हूं तो कहता हूं कि ये तो बात में गुरुदेव क्या बताना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। करना कराना कुछ नहीं है, सब कुछ किया कराया है, बस आपकी जानकारी में नहीं। मैं तुम्हें कुछ दूंगा नहीं, मैं तो सिर्फ तुमसे ही तुम्हारा परिचय कराऊं। ये तो जानकारी होना, ये जो वेदांत का, जो वेद का सिद्धांत है, करना कराना कुछ नहीं, सब कुछ किया कराया, बस आपकी जानकारी नहीं। ये अपने भीतर विराजमान जो ज्ञान स्वरूप सत्ता है, उसको जानना मात्र ही की तरफ ही संकेत है, उसके जानने मात्र की तरफ ही संकेत इशारा। हम बाहर आनंद ढूंढते हैं, हम बाहर सहारा ढूंढते हैं, बाहर की तरफ हम झांकते रहते हैं, ये देगा वो देगा कोई कुछ देगा। कुछ तो तब दे सकता है जब हमें बनाने वाले ने हम में कुछ कमी रखी होती। उसने तो अपने आप को पूर्ण ही दिया है, पूर्ण का पूर्ण ही बनाया है। अधूरा बनाया होता, कुछ कमी रखी होती तो कोई कुछ देता। वेद कहते हैं पूर्ण मदह पूर्ण मिदम पूर्णात पूर्ण मुदिष्यते पूर्ण से पूर्ण मादाय पूर्ण देवावशिष्यते। वो परमात्मा पूर्ण था, उस पूर्ण ने जो जो वस्तु निर्माण की वह भी पूर्ण थी। पूर्ण से पूर्ण निकाल देने पर भी पूर्ण ही शेष रह जाता, पूर्ण में पूर्ण रख देने पर भी वापस पूर्ण ही हो जाता। उस पूर्ण से ऐसी कोई वस्तु का निर्माण नहीं हुआ जो अपने आप में पूर्ण नहीं थी। इसलिए गुरुदेव कहते हैं मैं तुम्हें कुछ दूंगा नहीं, देना तो तब हो जब कोई अपूर्ण हो, अपूर्ण है ही नहीं, बस जानकारी नहीं। रामचरितमानस कहती है देहिक देविक भौतिक तापा राम राज काहू नहीं व्यापा। ये तीनों ताप कहाँ नहीं है, देहिक देविक भौतिक तापा राम राज काहू नहीं व्यापा। ये तीनों जो ताप है, दुख है, त्रिशूल है, ये तीनों राम राज्य में नहीं। तो कहते हैं राम राज्य कहाँ है, राम राज्य बैठे त्रिलोका हर्षित भये गए सब सुख। तीनों लोक है वो राम राज्य के अंदर विराजमान, बाहर नहीं है, लेकिन फिर भी उनको ये बोध नहीं है कि हम राम राज्य के भीतर ही बैठे। प्राप्त होते हुए भी वो वस्तु अप्राप्त है, क्यों, क्योंकि उधर दृष्टि नहीं है हमारी, हमारी दृष्टि बहिर्मुखी है, हमारी दृष्टि नश्वर पे है, हमारी दृष्टि परिवर्तनशील सत्ता पे, हमारी दृष्टि अपने आप पे नहीं है, हमारी दृष्टि आत्म तत्व पे नहीं है। गुरुदेव की वाणी जब सुनता हूं तो मुझे बार बार यही वचन याद आते हैं। गुरुदेव बताते हैं भैया गुरु शरीर नहीं होता, गुरु अजन्मा अमर अजर अनादि अनंत सत्ता होता। और हम गुरु को शरीर मान करके और इतने खींचातान में पड़े हैं कि एक दूसरे के ऊपर जहर उगल रहे हैं। और गुरु हमें बार बार ये बताते हैं भैया ये तो शरीर है, ये घड़ा है, ये समय पाकर चला जाएगा। गुरु कभी शरीर नहीं होता, गुरु अजन्मा अमर अजर अनादि अनंत सत्ता है, वो आप सबके भीतर मौजूद है। गुरु वही है जो गोविंद से मिला है। गुरु है तो हर हाल में गुरु है,
अर्थात ओमनी प्रेजेंट है, सर्वव्यापक है। यदि वो सर्वव्यापक नहीं है तो फिर वो गुरु नहीं, गुरु है तो सर्वव्यापक है। कितने उनके उनके उनकी अमृतवाणी में, सदगुरुदेव जी की अमृतवाणी में बार बार ये विचार, मैं गुरुदेव के सामने जब जाता था बैठ, तब भी मेरे ये विचार आते थे, गुरु शरीर नहीं होता। गुरुदेव ने हमेशा इस नश्वरता से, इस शरीर के मोह से हटाया। भैया ये तो घड़ा है, घड़ा, कबीर ने इसको घड़ा कहा है, ये आज नहीं तो कल गलना है, ये फूटना है, ये तो घड़ा है, कबीर ने इसको घड़ा कहा, भगवान कृष्ण ने इसको वस्त्र कहा। जैसे हम पुराने वस्त्रों को छोड़कर नए वस्त्र धारण करते हैं, इसी प्रकार आत्मा भी एक शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती है। संतों ने इसको पंच तत्व का पुतला कहा, रज बिरज की बूंद कहा, और चदरिया झीनी रे झीनी चदरिया कहा। यह तन काचा कुंभ है लिए फिर तू साथ, धबका लगा फुट गया कछु नहीं आया हाथ। तो गुरुदेव ने हमें हमेशा अपने इस शरीर के झूठे अहंकार से, इस नश्वरता के मैं से हमें हमेशा हटने के लिए प्रेरित किया। जब तक हमारा अहम भाव नहीं गलेगा, तब तक इन शरीर को लेकर के ही हम समझते रहेंगे यही मैं है, तब तक हम वास्तविकता की तरफ झलक नहीं पा सकेंगे। तब तक हम लोग हमें जिस तरीके से पुकारेंगे, हम उसी को अपना मानते रहेंगे। हम जो जिस भाव से पुकारेगा, कहेगा संसार से, हम उसी से अपने को वैसा ही मानने लग जाएंगे। तुलसीदास जी कहते हैं, मोह निशा सब सोवन हारा, और देखई स्वपन अनेक प्रकार। सारा जो संसार है वो मोह की मीठी नींद में सो रहा है। अपन सवेरे उठते हैं तो सोचते हैं हम जग गए, अरे नहीं, ये जगना नहीं, जगना तो भीतर से, वो ज्ञान में जागना है, वो विवेक से जागना है, अंतर चक्षु खोलने, अपने आप में केंद्र में पहुंचना, वो जागना है, होश करना है। ये जगना जगना नहीं, मोह निशा सब सोवन हारा, एक दो नहीं, सारा संसार मोह की मीठी नींद में सो रहा, और सोकर के क्या कर रहा है, देख ही स्वपन अनेक प्रकार। खुद एक है लेकिन उसमें अनेक की कल्पना कर ली। जैसे ही जन्म लिया, जन्म के समय कोई नाम नहीं था, पिता के शरीर के अंदर शुक्राणु रूप में थे, माता के शरीर में गया शुक्राणु, तो 9 महीने में आकृति बन गई शरीर की। और जैसे ही 9 महीने में गर्भ से बाहर आया, पंडित पुजारी मौलवी फादर साहब ने नाम रख दिया अपने अपने धर्म के अनुसार। अब वो जैसे ही दाई ने देखा तो के लड़का हुआ है, तो ज्ञान स्वरूप तो उसका स्वभाव है, वह सच चित आनंद ज्ञान स्वरूप प्रेम स्वरूप प्रकाश स्वरूप, तो उसका अपना मूल स्वभाव है। तो ज्ञान से उसने पकड़ लिया, अरे मैं लड़का हूं, तो बेटी हुई है, बेटा हुआ है, ओ मैं बेटा हूं, बेटी। फिर मामा आया, भांजा हुआ है, पिता आया, नाना आए, दोईता हुआ है, दादा आए, पोता हुआ है। ऐसे सब कहते गए, एक एक चादर उड़ाते गए, नाम रूप की एक एक चादर उसके ऊपर उड़ाते रहे। और जैसे जैसे हम बड़े होते गए, जिस नाम से जो जैसे पुकारता गा, वैसे वैसे हम अपने आप को मानते रहे, मैं हिंदू हूँ, मैं युवा हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं पिता हूँ, पुत्र हूँ, नाना हूँ, चाचा हूँ, दादा हूँ, परदादा हूँ, जैसे पुकारते गए ऐसे ऐसे अपने को मानते गए। बस ये क्या है,
ये एक से अनेक होना क्या है? ये मोह बस, ये माया के वश होकर, माया एक वस्तु को अनेक करके दिखाती है। मोह बस आदमी अनेक एक है लेकिन अपने में अनेक प्रकार के स्वप्न देखता है। मोह निशा सब सोवन हारा, और देख ही स्वप्न अनेक प्रकार। वास्तव में एक वो कौन सा है? वास्तव में हम वो एक कौन है? क्या हम उस अपने आप को उस को जाने बिना हम दुखों से छूट पाएंगे? नहीं, कभी नहीं छूट पाएंगे। जैसा जो कहता है वैसा ही हम अपने आप को मान लेते हैं, और जैसे दुनिया कहती है ऐसा स्वीकारते जाते हैं। काला गोरा, पिता पुत्र, मामा चाचा, ताऊ, और हम अपने आप को कभी ये नहीं जान पाते कि वास्तव में हम कौन, हम एक हैं या अनेक हैं, हम ये भी निर्णय नहीं कर पाते। जबकि ज्ञान वस्तु क्या कहती? ज्ञान कहती है एक ही वस्तु है, दूसरा हुआ ही नहीं। द्वितीयम देव भयम भवति, वे तो कहते हैं दूसरा मानने मात्र से भय शुरू हो जाता है। गीता के दूसरे अध्याय में मैंने पढ़ा था भगवान कृष्ण की वाणी कि आत्मा ना तो किसी को मारती है ना किसी को मरवाती है, ना तो खुद मारती है ना किसी को मारती मरवाती। यदि कोई ऐसा जानता है कि ये किसी को मारती है, आत्मा मारता है या मरवाता है, तो यथार्थ में उसके बारे में नहीं जानता। क्यों? मारना और मरवाना ये दो वस्तुओं में होता है, एक ही तत्व है, तो कौन किसको मारेगा, कौन किसको मरवाएगा? ये जो संसार है, ये जो द्वेत की भ्रांति है, इस द्वेत की भ्रांति में दूसरे समझ करके, दूसरे को स्वयं को ही दूसरा समझ करके और व्यवहार कर रहे हैं अपने को शरीर मान करके, तो सारे शरीरधारी दिखाई दे रहे हैं। जैसी हमारी दृष्टि होती है वैसी हमारी सृष्टि होती है। इस कामी को सारी दुनिया कामी लगती है, लोभी को सारी दुनिया लोभी लगती है, मोही को सारी दुनिया मोही लगती है, ज्ञानी को सारी दुनिया ज्ञान स्वरूप लगती है, और भगवत भक्त प्रेमी को सारी दुनिया प्रेममय लगती है, और जो अपने आनंद स्वरूप स्थित है उसको सारा संसार आनंदमय नजर आता। हर मनुष्य अपने विचारों, अपने भावनाओं, अपने सोच से अपना संसार खुद बनाता है। हमें अपना जगत कैसा बनाना है वो हमें ही विचार करना है। हमें सुख चैन से रहना है या घृणा निंदा ईर्ष्या आलोचना में पिसना है, ये हमें अपना निर्णय करना है। क्योंकि सभी महापुरुष इस बात में एक स्वर से कहते हैं, एक स्वर है। स्वामी राम तीर्थ हो, रामकृष्ण परमहंस हो, भगवान बुद्ध हो, महावीर हो, विवेकानंद जी हो, ईसा मसीह हो, सब एक बात, ये एक मत में एक। भगवान कृष्ण गीता में भी यही कहते हैं, आप वैसे ही बन जाते हो जैसा आप सोचते। कर्म है वो जड़ होते हैं लेकिन विचार संजीव होते हैं, विवेकानंद जी कहते हैं। विचारों की पहुंच बहुत दूर तक होती है, हम जीवन में वो एक दिन वैसे जरूर बन के रहेंगे जैसे हम सोचते। विवेकानंद जी तो यहां तक कहते हैं स्वर्ग और नर्क कहीं नहीं, हमारी सोच से ही हम स्वर्ग और नर्क बनाते हैं। और ईसा मसीह भी यही कहते हैं, आप वैसे ही बन जाते हैं जैसा आप सोचते हैं। भगवान बुद्ध भी यही कहते हैं, ये भिक्षुओं हम भूतकाल में जो थे वो हम अपने चिंतन के कारण थे, अभी जो वर्तमान में हैं वह भी अपने चिंतन के कारण है, विचारों के, अपने सोचने के तरीके कारण, और भविष्य में भी जो होंगे वो अपने चिंतन के कारण। निरंतर यदि हम सचिंतन करते हैं, निरंतर नाम जप और ध्यान करते हैं, और हम अपने चिंतन को पवित्र बनाए रखते हैं, तो हमारी दशा निरंतर बेहतर से बेहतर। कहते हैं
एक बार स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी के पास दो शिष्य गए उनके, क्योंकि वो बाहर बैठे बैठे चर्चा कर रहे थे ज्ञान की। तो उसने कहा कि मैं बड़ा ज्ञानी हूं, तो दूसरा कहने लगा नहीं मैं बड़ा ज्ञानी हूं। तो उसने कहा मैं बड़ा ज्ञानी हूं, तो उन्होंने कहा नहीं मैं बड़ा ज्ञानी। तो बस फिर तो उन्होंने कहा चलो गुरु जी से ही पूछ लेते हैं कौन बड़ा ज्ञानी है, गुरु जी बता देंगे कौन है बड़ा। तो गुरु जी के पास गए, गुरुदेव ये कहता है कि मैं बड़ा ज्ञानी हूँ, ये मैं कहता हूँ मैं बड़ा ज्ञानी, ये कहता है मैं, तो बड़ा ज्ञानी कौन है हमारे गुरुदेव। तो रामकृष्ण जी परमहंस ने कहा बेटा बड़ा ज्ञानी वो कहे जो दूसरे को कहता है कि ये बड़ा ज्ञानी है। तो वो दोनों कहने लगे नहीं तू बड़ा ज्ञानी, अब वो उसको कहने लगा नहीं तू बड़ा ज्ञानी, कि नहीं तू बड़ा ज्ञानी है, मैं इसको कहूंगा बड़ा ज्ञानी तो मैं बन जाऊंगा, तो दूसरे को पासा पलट तो अभी यही विचार चल रहे हैं सब इस कलयुग के गुणधर्म में, के कारण हर व्यक्ति को ये भ्रम पैदा हो गया है कि मैं बड़ा ज्ञानी हूं, मैं जो जानता हूं शायद कोई नहीं जानता है। और इसी इसी खुमारी के अंदर आदमी बस घूम रहा है, इसी नशे में घूम रहा है कि मैं जैसा ज्ञानी हूं ऐसा शायद कोई ज्ञानी। बहुत बढ़िया गुरु भाई, देखो आप जो बात कह रहे हो ना, ये ऐसे लोगों को तो समझ में आ जाएगी जिनको गुरुजी वाला वो करंट लग गया हो। जो लोग पहली बार सुन रहे हैं, जो लोग पहली बार सुन रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, उनको लगेगा कि ये लोग क्या बात कर रहे हैं, क्योंकि अध्यात्म इतना नीरस विषय है देखने में, वैसे तो बहुत आनंद का विषय है, लेकिन जब तक वो स्वाद नहीं लग जाता ना किसी को, तब तक उसमें आनंद मतलब समझ नहीं आती बात। तो कभी 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 ऐसा भी होता है कि बहुत सारे गुरु भाई बहन जो गुरुदेव से उस समय से जुड़े रहे जब गुरुदेव सशरीर थे, एक बिल्कुल गुरुदेव उपस्थित रहे, तो ऐसा एक कमेंट आया, मुझे लगा कि मैं आपसे भी शेयर करूं और सबसे शेयर करूं तो शायद सबके काम आएगा। फिर आपकी जो प्रतिक्रिया है उसके ऊपर वो आप जरूर दीजिएगा। एक गुरु भाई हैं सुनील सिंह, उन्होंने YouTube पे जो 319 भाग आया था अवर एक्सपीरियंसेस विद गुरु सियाग योगा 319, उस पे ये टिप्पणी की है कि गुरु भाई मुझे लगता है कि जब तक गुरुदेव स्थूल शरीर में थे तब शायद ज्यादा प्रभावी होंगे, क्योंकि मेरा अपना ये अनुभव है कि मैंने काफी मंत्र जाप भी किया, नाद भी सुनाई दे रहा है, मगर भौतिक जीवन में मेरे भौतिक जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा। जो समस्या पहले बनी हुई थी आज भी वही बनी हुई है। मुझे लगता है हो सकता है मुझ में ही कोई कमी हो, पर मैंने और लोगों को भी बताया सिद्ध योग के बारे में, जो बहुत गंभीर बीमारियों जैसे कैंसर, थायराइड, आर्थराइटिस वगैरह से पीड़ित थे और भौतिक जीवन की परेशानियों से भी जूझ रहे थे और निरंतर साधना कर रहे थे, मगर उनमें भी कोई बदलाव नहीं दिखा। तो ये एक टिप्पणी आई गुरु भाई, ये एक बहुत जेन्युइन, बहुत ही मासूम सा एक एक इंक्वायरी है एक तरह से, कि भाई आप कह रहे हो ईश्वर आनंद स्वरूप है, गुरुदेव आनंद स्वरूप हैं, गुरुदेव का मंत्र जपोगे आनंद आना चालू हो जाएगा, आनंद आएगा तो सारे रोग खत्म हो जाएंगे, तो इन गुरु भाई के क्या अड़ंगा हो गया कि इनके वो परिवर्तन नहीं आया और इन्होंने जिसको बताया उसके भी नहीं आया। तो ऐसा क्या आपके जीवन में भी, आप जब गुरुदेव से संपर्क में रहे सशरीर वाले गुरुदेव से, तब आपके सामने भी ऐसे केसेस आते थे? हाँ जी गुरु भाई, ऐसा ऐसे केसेस भी कई लोगों से सुने, कई गुरु भाई ऐसे भी मिले जिन्होंने ये बात की के गुरुदेव से मैंने दीक्षा ली और पहले मुझे कोई बीमारी नहीं थी और फिर मेरे शुगर हो गया,
ऐसे गुरु भाई कईयों को बताया, कई ये भी कहते थे कि मैं बहुत टाइम से आ रहा हूं फिर भी मेरा ध्यान नहीं लग रहा है, मुझे आनंद नहीं आ रहा है, योगी क्रिया वगैरह नहीं हो रही है। तो मुझे जो ध्यान नहीं लगना और आनंद नहीं आने का जो मुझे प्रश्न विचार उठा, तो मेरे अंदर एक विचार आता था कि योगी कथा अमर जो मैंने पुस्तक पढ़ी थी, तो उसमें योगानंद जी लिखते हैं कि बाइबल का एक वाक्य कि प्रकृति ने हर फल के लिए एक विशेष ऋतु तय कर रखी है कि ये फल जो होगा इसी ऋतु में ही होगा, और प्रकृति ने हर कार्य के लिए एक निश्चित समय तय कर रखा है। तो दुनिया में जो भी फल उत्पन्न होता है वो ईश्वर ने हरे हरेक फल के लिए एक विशेष ऋतु और हर कार्य के लिए एक निश्चित समय तय कर रखा। जब वो समय आने पे ही वह कार्य होगा, यदि वह आ जाता है देखा देखी करने लग जाता है, लेकिन वो उसका जब मूल समय उसका आएगा तभी वह गति पकड़ेगा, तभी वो कर पाएगा और तभी उसके अंदर ऐसी जागृति आएगी जिसे वो वेग के साथ उस पर चले। कहते हैं कि गुरुदेव जब पहले दीक्षा देते थे शुरू शुरू में बीकानेर में, तो गुरुदेव रूम में सबको बिठा कर फिर इशारा कर देते थे भाई आप उठ के चले जाओ। तो भाई उनके शंकाएं रहती थी कि भाई क्या हुआ, हम यहाँ आकर के भी हमें उठा दिया, हमें मना कर दिया, क्यों? क्योंकि उनका अभी समय नहीं आया था, उन्हें अभी इस समय दीक्षा लेने का नहीं आया, और समय से पहले किसी को मिल जाती है तो वो समझ नहीं पाता है, वो गंभीर नहीं हो पाता है, उसकी आत्मा उसके लिए तैयार नहीं होती है, तो वो पिपासु नहीं होता है, या फिर उसको दूसरों को होता है उसको नहीं होता है, तो उसको ग्लानि उत्पन्न होती है कि देखो इनको हो रहा है मुझे नहीं हो रहा है, तो अपने आप को हीन समझने लग जाता है, जबकि उसको समय आने पे उसको भी शुरू हो जाए। गुरुदेव कहते हैं ना पांच कारण में जो मेरे में बदलाव आए हैं उसके पांच कारण भाई पतंजलि योग सूत्र बताता। तो पहला कारण बताता प्रारब्ध, फिर जप तप योग औषधि, ये पांच कारणों से ये जो कायाकल्प होता है रूपांतरण होता है उनको पांच कारण बताए। तो गुरुदेव उनका पहला कारण प्रारब्ध, भाई मेरे अंदर भी जो जिज्ञासा उत्पन्न हुई शुरू से तो नहीं थी गुरुदेव कहते हैं, लेकिन बाद में अचानक परिस्थिति बस ऐसा होने लग गया और फिर रुचि उत्पन्न हो गई, तो गुरुदेव कहते हैं प्रारब्ध में इसको कारण मानता। तो प्रकृति ने हर फल के लिए एक विशेष ऋतु और हर कार्य के लिए एक निश्चित समय तय कर रखा। वो शांति कुंज हरिद्वार से पत्रिका निकलती थी अखंड ज्योति, उसमें भी मैंने एक पढ़ा था कि एक साधु कहीं जाता है जंगल के अंदर, तो वहां फौजी की छावनी टेंट लगा हुआ होता है, तो कहते हैं हटाओ हटाओ यहाँ से टेंट हटाओ, तो वो समझ नहीं पाते हैं फौजी, 2-3 घंटे बाद फिर जाता है, वो कहते हैं हटाओ यहाँ से टेंट हटाओ, तो उन्होंने कहा क्या परेशानी, क्या आपको पता नहीं आप इस चीज में समझ नहीं पाते, रात को 12 बजे यहाँ घूमता हुआ एक व्यक्ति आएगा और उस व्यक्ति को इसी जगह पे मैं दीक्षा दूंगा, रात को 12 बजे वो व्यक्ति यहाँ पे घूमता हुआ आया था जंगल में, और इसलिए यही वह जगह निश्चित है जहां पे उसको दीक्षा दी जाए। तो प्रकृति जो भी काम करती है बड़े बड़े अपने तरीके से अपनी नियति के अनुसार करती है, मानवीय जो सोच है उसको चार धारा उसको समझ नहीं पाती, उसका आकलन नहीं कर सकता कि कौन सा काम कैसे होगा किस प्रकार होगा किस तरीके से होगा। तो रात को 12 बजे वो व्यक्ति वहां आया, वो साधु वहां गया और उसको दीक्षा दी और वो कार्य संपन्न, और कहीं जंगल में भटकता हुआ वो आया और उसको। तो जब हम संसार में शरीर जन्मता है तो उसका समय तय है, जाता है तो समय तय है, और हानि लाभ कब जुड़ना और आध्यात्मिक रूप से ये दूसरे जन्म के लिए गुरु से जुड़ना ये भी कोई महत्वपूर्ण घटना नहीं, तो इसका भी समय प्रकृति ने तय कर रखा। कितना ही समय से पहले कई गुरु भाइयों के लेख पढ़ते हैं, स्पिरिचुअल साइंस में सुनता हूं,
तो कहते हमने दीक्षा तो बहुत पहले ले ली लेकिन हम किया नहीं। लेकिन वो बहुत टाइम बाद उनको सचेत हुए और सुबह का हमें पहले भी हम आए थे लेकिन इतने गंभीर नहीं हुए, अब हमें इनको करना चाहिए वास्तविकता। ये हम क्या है कि रिजल्ट जो नहीं मिल रहे हैं उसके कई कारण है, हमें खुद उस कारणों का मतलब विचार करना चाहिए कि क्यों नहीं मिल रहे हैं। यहाँ जैसे पत्नी जी को गुरुदेव के शरीर शांत हुए ब्रह्मलीन हुआ तो इधर उधर जाते थे कहीं दिखे थे, यहाँ बांट रहे थे इस्कॉन वाले गीता, वो भी कह रहे थे हमारा इधर इस्कॉन का सेंटर आना, तो कृष्ण भगवान का मंदिर है वहां गए हम तो देखा तो वो प्रवचन वगैरह कर रहे थे, पूजा अर्चना करते हैं आरती करते हैं हाँ करते हैं, दो तीन बार देखा किया। मैंने कहा भाई आप सही है सब किताबें वगैरह बातें लेकिन आप तो भगवान की बात से उल्टा कर रहे हो। तो उन्होंने कहा उल्टा कैसे कर रहे हैं, मैं कहा भगवान तो कुछ और कह रहे हैं गीता में, आप तो कुछ और कर रहे हो। तो उन्होंने कहा भगवान क्या कह रहे हैं, उन्होंने कहा भगवान तो गीता में कहते हैं बार बार मैंने पढ़ी है गीता तो यही कह रहे हैं, हे अर्जुन तू मुझ में ही मन को लगा और मुझ में ही बुद्धि को लगा, उसके उपरांत तू निसंदेह मुझे ही प्राप्त होगा। आप तो लगा रहे हो तन और दूसरा लगा रहे हो धन, अरे तो तन और धन तो लगाने के लिए भगवान ने कहीं कहा ही नहीं, मन और बुद्धि लगाने के लिए कहा है। तन और धन तो बेचारा स्थूल है नहीं, और परेशानी तो मन और बुद्धि करती है, मन और बुद्धि सूक्ष्म है वो ठीक हो जाएंगे, तन और धन तो अपने आप ही उसके पीछे पीछे चले जाएंगे। तो गड़बड़ी तो सूक्ष्म में स्थूल को ठीक करने की कोशिश कर रहे हो, मैं कह ये तो उल्टा ही कर रहे हो ना, भगवान ने तो नहीं कहा कि मुझ में ही तन को लगा मुझ में ही धन को लगा, और हम तन और धन लगा रहे हैं और सभी यही कर रहे हैं, बाहर जहां जाओ देखो बस तन और धन लगा रहे हैं, किसी जगह जाओ किसी धार्मिक कार्यक्रम में जाओ सब यही कर रहे हैं। गुरुदेव ही मानव जात के लिए कह रहे हैं, कितनी सही विधि बता रहे हैं, कितना सही तरीका बता रहे हैं, क्योंकि आदमी को जो परेशानियों दुखों का कारण सब मन है। कबीर साहब कहते हैं कबीरा ये मन काग थार फिर करता घात, अब ये मन हंसा भया चुग चुग मोती खात, ये मन ही था जो कौआ था, ये घृणा निंदा ईर्ष्या आलोचना तेरे मेरे कि माया में उलझा हुआ ऊंच नीच जात पात बंटा हुआ ये जहर उगल रहा था, कबीरा ये मन काग थार फिर करता घात, अब ये मन हंसा भया जब नाम जप और ध्यान करने लगा, जब विचार भाव सोचने के तरीका सब बदला, काम करने का सद्भाव भाव बदला, सत्कर्म करने लगा सद्विचार करने लगा, अब ये मन हंसा भया चुग चुग मोती खा, तो ये मन ही है। तो तन तो मन कर रहा है बेचार, धन और तन थोड़ी करे, ये तो पीछे पीछे स्थूल है अपने आप ही आ रहे हैं ये। कबीर साहब ने भी यही तरीका बताया सुमिरन करने का भगवान को कि माला फेरत जुग भया, पूरी उम्र बीत गई फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे तो मन का फेर, हाथ में जो माला है उसको फेंक दे और मन का फेर, मन ही मन सुमिरन कर मानस जप कर। गुरुदेव यही तो बता रहे, वहां 12 सेक्टर हाउसिंग बोर्ड में गुरुदेव रहते थे, तो मैं दर्शन करने गया तो एक कोई गुरुदेव के पास आया तो माला लेके आया था, तो माला ला करके वो जब वो प्रणाम करने लगा तो गुरुदेव के चरणों के माला लगा करके, अरे गुरुदेव ठीक है ये जेब में रख दे माला को लेने के, तो मैं मानस जप करने के लिए कह रहा हूँ। वो इसे समझ रहे कि कोई गुरु होते हैं जो माला हाथ में लेते हैं या उनको हाथ लगा के देते हैं तो ज्यादा फल देता है, उनके चरणों की लगी हुई माला फेरते हैं तो ज्यादा होता है। गुरुदेव कुछ और बात बता रहे हैं, सही बात बता रहे हैं, लेकिन उनको माला की आदत पड़ी हुई, क्यों सबने यही सिखाया माला फेरना ही मानस जप के लिए कह ही नहीं रहे। कबीर साहब तो कहते हैं माला फिर जुग बयार फिरान मन का फेर, कर का मन का डार देर मन का फेर, माला तो कर में फिरे, हाथ में माला फिर रही, माला तो कर में फिरे जीव फिरे मुख माए,
और मनवा तो चहुद स्फिरे, यह तो सुमरन ना, ये सुमरन करने की विधि नहीं है। सुमरन करने की विधि तो मन ही मन, मानस जप। इतनी सहज और सरल बात हमें सदगुरुदेव जी भगवान ने बताई, कितनी अनमोल बात बताई ग्रंथों। जब मैं पढ़ता हूँ एक एक बात तो मुझे, मैं तो चकाचौंध रह जाता हूँ कि कितनी सरल मानस जप, मानस जप के लिए प्रेरित किया। क्योंकि जो मन ही है, मन लोभी मन लालची मन चंचल मन चोर, मन के मते न चालिए पलक पलक मनो। ये मन ही है जो आदमी को दुखी कर रहा है, ये चंचल जो मन है वो कितना अहित कर रहा है। इस चंचल मन के कारण ही सारा सारा आदमी दुख और कष्ट और पीड़ाओं को झेल रहा। तो गुरुदेव सीधे इस मन को ही मानस जप करने के लिए कहते हैं। निरंतर नाम जप करते हैं तो मन का स्नान होता है, मन का शोधन होता है, मन अपनी चंचलता को छोड़ करके शांत होता है, मन निरोध होता है। तभी कबीर साहब ने कहा कबीरा मन निर्मल भये, जैसे गंगा नीर पीछे पीछे हरी फिरे, कहत कबीर कबीर। सारा संसार है वो भगवान के पीछे दौड़ रहा है, लेकिन भगवान किसके पीछे दौड़ रहे हैं? कबीर साहब के पीछे। क्यों दौड़ रहे हैं? क्योंकि उन्होंने अपने गुरु की कृपा से अपने मन को निर्मल बना दिया। गुरु ने जो विधि बताई, तरीका बताया, उस तरीके से अपने मन को निर्मल बना। कबीरा मन निर्मल भयो, जैसे गंगा नीर पीछे पीछे हरी फिरे, और कहत कबीर कबीर। तो संसार में तरीका वही है, विधि वही है, और दूसरी विधि नहीं है। हमें भी यदि सदगुरु भगवान से निरंतर अपनी कृपा बनाए रखनी है तो हमें अपनी मन की निर्मलता ना निरंतर नाम जप और ध्यान में नियमितता रखनी होगी। पवित्र चिंतन में, सद विचारों में, सद्भावों में हमें निरंतरता नियमितता रखनी होगी, तब हमारा मन। यही बात भगवान रामचरितमानस में कहते, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मुझे वही प्राप्त कर सकते हैं जिनका मन निर्मल, जो छल कपट करते हैं, जो जो कहते कुछ है करते कुछ है, लिखते कुछ है लिखाते कुछ और है, वो मुझे कभी नहीं प्राप्त। जो बाहर कुछ और भीतर कुछ और, कथनी मीची खांड सी और करनी विस्की लोल। कथनी शक्कर खाने मिठाई देने लगती है, मैं बोल रहा हूँ देखो मैं कितना ज्ञानी हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मेरे दूसरे बॉस सुन रहे हैं, ज्ञान का भंडार तो मैं हूँ, इसलिए देखो मैं बोल रहा हूँ, कितना अच्छा लगता है बोलना। कथनी मीठी खांड सी शक्कर खाने के बराबर, करनी विस्की लोई, करनी जहर पीने के बराबर है, जो कथनी तज करनी करे तो विष से अमृत हो। जो कहना छोड़ करके और नियमित रूप से करना शुरू कर देता है, उसको आचरण में उतारना शुरू कर देता है, तो विष से अमृत हो, जहर भी अमृत होता है, हो जाता है। यही भगवान कृष्ण गीता में भी कहते हैं कि ये जो सतोगुण होता है, जो अध्यात्म होता है, उसका जो अभ्यास है, वो प्रारंभ में अच्छे विचारों का, पठन पाठन का, अच्छे सतोगुण का रास्ता जहर के समान लगता है, लेकिन इसका फल परिणाम में अमृत के तुल्य होता है। लेकिन जो विशेष सुख है संसार के, जो लेकिन तमोगुण है, वो शुरू में स्वाद में अमृत के तुल्य लगता है, लेकिन वो परिणाम में जहर के तुल्य होता है। इसलिए हमें कौन सी चीज ग्रहण करनी, लंबे समय तक जो अमृत प्रदान करे वह ग्रहण करनी है, या थोड़े समय तक जो सुख प्रदान करे और फिर जहर में बदल जाए। जो विषयों का सुख है वो क्षणिक सुख हमें सुख अमृत के तरह लगता है प्रारंभ में, लेकिन उसका परिणाम जहर के बराबर।
लेकिन धर्म, अध्यात्म, ज्ञान, नैतिकता का मार्ग, सदगुरु भगवान के द्वारा बताया हुआ पथ, ये हम निरंतर करेंगे तो ये परिणाम में हमें अमृत के समान देगा। ये हमारा रिजल्ट हमें अमृत के समान, हमें तृप्त कर। विवेकानंद जी यही कहते हैं, विवेकानंद जी यही बात बताते हैं कि जो कबीर साहब कहते हैं राम नाम की लूट है, और लूट सके तो लूट, अंत काल पछताए गो जब प्राण जाए तो छूट। ये भगवान, ये सदगुरु भगवान है जो नाम दिया है, निरंतर जपो, जितना लूट सको लूटो, और नहीं लूटोगे तो क्या होगा, जब अंत समय आएगा तब पछताना होगा इंसान को कि संसार के सारे काम किए, सब कर्तव्य किए, धन कमाया, पति का, पिता का, पुत्र का, भाई का, सब रिश्ते नाते निभाए, सब कर्तव्यों को पूरा किया, लेकिन जो आत्म जागृति का, जो ईश्वर ने हमें इस संसार में भेजा आना करके, उसको तो हमने सुमिरन किया ही नहीं, उसको तो हमें धन्यवाद दिया ही नहीं, तो हमें खाली पछतावा ही आता है। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताए, अंत समय में पछताना पड़ेगा जब प्राण जाएगा छूट। गुरुदेव बताते हैं अपने अमृत वचनों में कि भैया आदमी जो खोटे खरे करता है ना, वो संसार से तो छुपा लेता है कि क्या किया क्या नहीं किया, है कि नहीं, जो अपने आप से थोड़ा ही छुपा पाता, वो तो जानता है कि मैं कह क्या रहा हूं, कर क्या रहा हूं। तो जो बुढ़ा हो जाता है मरने के पास आता, तो अपनी तस्वीर देख के डरता, क्या तू कहता तो ये रहा, करता क्या रहा, अब ले जैसा तूने, भले ही बाहर कुछ भी बना रहा हो, किया तूने क्या है, भाव क्या रखता था, वो तेरे सामने बड़ा। तो गुड्डे कहते हैं गंभीर हो जाता है और गिड़गिड़ाता है, रोता है कि प्रभु मैंने लोगों से छुपा लिया, लेकिन आप तो सब जानते हो, अपनी आत्मा से अपने आप से नहीं छुपा पाता है। तो कहता मैं तो नादान था, तू दयालु है, करुणा सागर है, तू माफ कर, दया कर। तब कहते हैं भाई जैसे ही गंभीर होता है और ऐसे सीरियस होता है और पुकारता है, तो वो तो घटघट का वासी यहीं बैठा है ना, उसकी पुकार सुनता है और वो यहाँ पहुंच जाता है शक्ति, वो अपनी तस्वीर देख के डरता है, सबसे छुपा सकता है लेकिन अपने आपे से कहां से छुपाए, अपने आप से कहां से छुपाए, वो तो भीतर बैठा है देखने वाला है। इंसान इधर उधर देखता है, कोई देख रहा है नहीं देखता है, वो भगवान तो भीतर बैठ के देख रहा है, वो सोचता है बाहर से कहीं से देखेगा। बाहर से कहीं से देखेगा, मैं जैसलमेर गया था तो वहां जैसलमेर का किला देखने गया था, तो रामकृष्ण परमहंस को पूछा था कि भाई ईश्वर कैसे देखता है, उनको पढ़ा तो वो बताए थे कि भाई जैसे वो पुराना किला देखा तो उसमें रानीवास में गया, रानीवास जहां रानियां जिसमें रहती थी, जिस कमरे में, तो रानीवास में गया तो देखा कि पत्थरों के अंदर छोटे छोटे छेद किए हुए थे, बिल्कुल छोटे छोटे, बहुत सारे नहीं, इतने छोटा छेद है कि जो आंख की जो पुतली है ना उतनी ही मदद है। तो वो छेद किस लिए कर रखे थे, वो छेद इसलिए कर रखे थे कि वो रानिया है ना उस छेद के अंदर जो आंख लगा के देखती थी, तो बाहर जो आते जाते घूमते फिरते थे लोग उनको वो देख लेती थी, लेकिन वो बाहर वाले उनको नहीं देख पाते, वो छेद इतने छोटे थे कि वो तो बाहर अंदर बैठ करके बाहर आने जाने वालों को देख पाती थी, लेकिन बाहर वाले उनको नहीं देख पाते, इतने छोटे थे। तो रामकृष्ण परमहंस यही कहते थे कि ईश्वर हमारे भीतर बैठ करके हमारे मन से संकल्प विकल्प करता है, बुद्धि से आकृति बनाने, निर्णय लेने, निश्चय करने काम करता है, विषय इंद्रियों से, सब इंद्रियों से विषय ग्रहण करता है,
ज्ञान इंद्रियों से ज्ञान प्रदान करता है, अंतःकरण से समस्त प्रेरणाएं दे रहा है, सब तमोगुणी रजोगुणी सतोगुणी वृत्तियां उससे उत्पन्न हो रही है, उसमें स्थित हो रही है, उसमें लीन हो रही है। वो प्राण अब आ रहे हैं जा रहे हैं, अब धीमे चल रहे हैं अब तेज चल रहे हैं, वो इन सब को जान रहा है, लेकिन ये सब लौट करके उसको नहीं जान पाती, बुद्धि उसको नहीं जान पाती, मन उसको नहीं देख पाता, इंद्रियां उसको नहीं देख पाती, प्राण उसको नहीं देख पाते, और वो सब इनको भीतर बैठ करके सब देख पाता। जैसे रानीवास में जो रानियां हैं वो तो उनको देख लिए बाहर आने जाने को, लेकिन वो उसको नहीं देख पाते। इसलिए वेद कहते हैं कि परमात्मा कौन है, ईश्वर कौन है, तो वेद कहते हैं मन जिससे उत्पन्न होता है, मन के भीतर जो रहता है, मन को जो जानता है, लेकिन मन जिसे नहीं जानता, बुद्धि जिससे उत्पन्न होती है, बुद्धि के भीतर जो रहता है, बुद्धि को जो जानता है लेकिन बुद्धि उसे नहीं जानती, प्राण जिससे उत्पन्न होते हैं, प्राण के भीतर जो रहता है, प्राण को जो जानता है लेकिन प्राण उसे नहीं जानते, उसे दूसरा कोई नहीं जानता, उसे वह स्वयं जानता और अन्य कोई नहीं जानता, और जो उसको जान लेता है फिर वह वही हो जाता है। रामचरितमानस कहती है जान तो तुम ही हो जाए, तुम्हारी कृपा जान सब कोई, उसे जानकर तुम फिर वही हो जाओगे, फिर तुम दूसरे नहीं रहोगे। जान तो तुम ही हो जाए, तुम्हारी कृपा जान सब कोई, फिर दूसरे नहीं रहोगे, वही हो जाओगे तुम जानकर, तो उसे दूसरा कोई नहीं जानता। क्यों नहीं जानता? तो उसे कहते हैं भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि सातवें अध्याय में चौथा और पांचवा श्लोक है कि सृष्टि कैसे बनी, तो भगवान कहते हैं ये आठ प्रकार की मेरी जड़ प्रकृति, आठ प्रकार की जड़ प्रकृति कौन सी, तो कहते हैं अग्नि जल पृथ्वी वायु आकाश, ये पांच महाभूत, और मन बुद्धि और अहंकार, ये तीन, मन बुद्धि और अहंकार और अग्नि जल पृथ्वी वायु आकाश, ये पांच महाभूत। तो पांच महाभूत और मन बुद्धि और अहंकार, ये पांच और तीन मिला के आठ हुई, तो ये आठ प्रकार की मेरी जड़ प्रकृति, और नवी जीव रूपा चेतन परा प्रकृति, ये अपरा प्रकृति है, आठ प्रकार की जड़ प्रकृति, और नवी जो जीव रूपा चेतन है वो परा प्रकृति है, ये दोनों मिलकर के सरासर सृष्टि की रचना करते हैं। तो जो ईश्वर की तरफ की जो प्रकृति है वो चेतन प्रकृति है, तो जड़ तो चेतन को कैसे जान पाएगा, मन बुद्धि और अहंकार को तो जड़ प्रकृति बताया, तो जड़ प्रकृति चेतन को कैसे पाने, जड़ की परिभाषा यही है जो ना तो अपने आप को जानता है ना दूसरे को जानता है। तो ये जड़ प्रकृति मन बुद्धि और अहंकार है, ये जड़ प्रकृति अग्नि जल पृथ्वी वायु आठ प्रकार की जड़ प्रकृति, नवी जीव रूपा चेतन प्रकृति, तो चेतन प्रकृति वो अपने को भी जानती है दूसरे को भी जानती है, क्योंकि वो ईश्वर के नजदीक की है, ईश्वर के गुणधर्म की है। चेतन अमल सहज सुख राशि, जो जीव है वो ईश्वर की प्रकृति का है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर का ही अंश है, ईश्वर का ही प्रकृति का है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, और चेतन अमल मल से रहित सह सुख राशि आनंद स्वरूप है। तो हमारी जो अपनी जो प्रकृति है वह सह स्वरूप चेतन स्वरूप आनंद स्वरूप और अविनाशी है, हम आत्म तत्व है। गुरुदेव कहते हैं आप शरीर नहीं हो भैया, आप आत्मा हो, ये आत्मा अमर अजर है, लेकिन हमें क्या हुआ कि हमने जड़ प्रकृति का संग कर लिया, तो हम संग करने के कारण हमारे संग दोष हो गया। जैसे हम ट्रेन में बैठे रहते हैं तो ट्रेन दौड़ती है तो पेड़ पौधे भी दौड़ते हुए नजर आते हैं, तो विचार करें कि वास्तव में पेड़ पौधे दौड़ते हैं नहीं दौड़ते हैं, तो क्यों, ट्रेन दौड़ रही है तो हमने दौड़ की वस्तु का संग कर लिया, इसलिए वो भी दौड़ते हुए नजर आते हैं, संग दोष के कारण वो दौड़ते हुए नजर आते हैं, वास्तव में दौड़ते नहीं होते हैं। इसलिए जो जड़ प्रकृति है वो उत्पन्न होती है, वो जड़ प्रकृति शिशु बनी,
जड़ प्रकृति बालक बनी, जड़ प्रकृति किशोर बनी, जड़ प्रकृति युवा हुई, जड़ प्रकृति बुढ़ी हुई, जड़ प्रकृति नष्ट हो गई। और हम उस प्रकृति के थे जो जानने वाले थे। भगवान कृष्ण गीता में ये कहते हैं, ये अर्जुन, ये जो प्रकृति है, ये सरासर है, ये क्षेत्र है, क्षेत्र, और इसके भीतर रहने वाला वो क्षेत्रज्ञ है, वो इस क्षेत्र को जानने वाला है, वो इसके भीतर रहने वाला है, और ये क्षेत्र है। तो क्षेत्रज्ञ अलग होता है और क्षेत्र अलग होता है, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ। जैसे भगोले के अंदर पानी डाल दें अपन और पानी में अंगुली डालें, तो क्या अंगुली जल रहेगी? नहीं। अब वही भगोले में पानी डाला होगा, उसके अंदर रख दिया, गैस पे रख दिया, वो गैस जला दिया, अब उसमें पानी में अंगुली डालें तो अंगुली जलती है। तो क्यों जली? विचार करें कि क्यों जली अंगुली। अंगुली इस कारण जली कि अग्नि ने पानी के अंदर प्रवेश नहीं किया। बीच के अंदर तो भगोले की दीवार है, भगोले के भीतर पानी है और अग्नि नीचे है और बीच में भगोला है, तो कुछ समय संग रहने के कारण अग्नि के गुणधर्म है वो पानी के अंदर आ गए। तो अग्नि के गुणधर्म के कारण, उस संग दोष के कारण अग्नि के गुण पानी में आ गए। अंगुली डालते हैं तो जल रहे हैं, अब अंगुली जल रही है, पहले तो पानी में हाथ डाला अंगुली नहीं जल रही, अब वही पानी अंगुली जला रहा है, लेकिन अब गैस से नीचे रख दिया, थोड़े समय ठंडा हो गया पानी, तो पानी अपनी मूल प्रकृति में फिर चला गया, अब नहीं जल रही है। तो संग दोष के कारण, संग दोष हम जिसके अंदर रह जाते हैं तो थोड़े समय के लिए उसके उसके गुणधर्म आ जाते हैं। तो हम संग दोष के कारण हमने अपने आप को शरीर मान लिया, माता अपने आप को भाई दादा नाना पिता पुत्र मान लिया, तो अब हम उन संग दोष के कारण हम वहां हिला रहे हैं। बुआ जी आए तो कह दे वहां भतीजा आ गया, मैं आपका भतीजा हूँ। अब वो संग दोष के कारण हर चीज अपना जैसे कह रहे हैं वैसे नाच रहे हैं, है कि नहीं? पत्नी कहती है, डांटती डपटती तो सुनना पड़ता है, बच्चे कहते हैं पिताजी पिताजी दिलाओ करो, तो असंग दोष के कारण वो सब करना पड़ता है। वो हम प्रेमवश भी कर सकते हैं, उसके अंदर ईश्वर तत्व देख के करें तो और निराली चीज होगी, और अद्भुत होगा। फिर तो हम उस स्थिति का आनंद का बखान नहीं कर सकते। पत्नी के अंदर जब परमात्मा निहारेंगे उनकी आंखों के अंदर देख करके, बच्चों की आंखों में, जब माता पिता की आंखों में, तो फिर निराला वो स्थिति बहुत अद्भुत हो जाएगी। और गुरुदेव वही स्थिति कराने निकले हैं। हम अभी अभी इतने मतलब इतने समझ नहीं पा रहे हैं कि हम दूर ईश्वर देख रहे हैं, हम और कल्पनाओं ख्यालों में खोए गए हैं, लेकिन गुरुदेव हमें ये दृष्टि देना चाहते हैं कि अपनी पत्नी में देखो, अपने बच्चों में देखो, अपने माता पिता में देखो, अपने आप में देखो। रामकृष्ण परमहंस कहते हैं ना, पूजा करते थे तब काली को फूल चढ़ाते थे तो अपने ऊपर भी डाल देते थे, तो वहां जो आते थे आरती देखते थे कि ये कैसा पंडित पुजारी के तो उन्होंने कहा काली सब जगह है, यहाँ बैठी है, तुम्हें पता दिखाई नहीं देता, असली काली तो अंदर है। जब कहते हैं जब प्रसाद लाते थे चढ़ा देते थे तो काली को बाद में चढ़ाते, पहले खुद ही खा लेते। तो उन्होंने कहा माँ बैठी अंदर, काली माँ ही खा रही, तुम्हें दिखाई नहीं देती। कैसी दिव्य दृष्टि है, हम सब जगह देख लेते हैं, अपने आप में नहीं देख पाते, अपने आप में नहीं देख पाते तो फिर दूसरों में भी नहीं देख पाते हैं, जो अपने नजदीक करीब है, माता पिता भाई बहन, हमें अपने आप में भीतर जाना। गुरुदेव यही तो बता रहे हैं कि अपने आप में अपने भीतर देखो। नानक साहब यही कहते हैं, जो तुम खोजे आपको, जो सारे संसार में तुम भगवान को खोजता फिरता है, तो तुम आपे आप, वो तेरे भीतर है और वो तू स्वयं है। जो तुम खोजे आपको, तो तुम आपे आप, आपे भुलाने आप तेर बंधो आपते आप, तूने अपने आप को भुला दिया है और अपने आप ही बंधन में बंधा हुआ है। जो तुम खोजे आपको, तो तुम आपे आपे भुलाने आप तेर बंधो आपते आप, आपे गुण आपे कथे।
अपनी महिमा का बखान आप करता है। राम ऐसे हुए, कृष्ण ऐसे हुए, शिव ऐसे हुए, वो ऐसे हुए, वो सब ये आत्म तत्व ही ये सारे रूपों में खेला है, खेलता रहा है, खेलता रहेगा। आपे गुण आते कथेर, आपे सुने विचार, आपे मोल परख तुर, आपे रतन विचार। अपना रतन तुम, अपना विचार तुम आप करके, तुम कौन है? तू ही सच्चित चित आनंद स्वरूप, सच्चिदानंद घन, घन कहा गया उसको, सच्चिदानंद घन। ऐसा कोई व्यक्ति लाओ ढूंढ करके, अभी तक किसी ने खोजा हो तो विचार कर लेना। जिसको सत्य नहीं चाहिए, झूठ चाहिए, सत्य नहीं चाहिए, झूठ चाहिए। ऐसा कोई पैदा ही नहीं हुआ अभी तक जिसको सत्य नहीं चाहिए, झूठ चाहिए। यदि किसी को नकली नोट दे दे तो लड़ने दौड़ेगा, कहे कुछ और, झूठा कपड़ा दे दे, झूठा सामान दे दे, कहे कुछ और, विज्ञापन करे कुछ और, दे दे कुछ और, तो कह देगा वापिस सिर पे उसमें वहां डाल के आएगा और कह देगा पैसा भले ही मत ले, लेकिन तूने मुझे झूठा क्यों दिया। झूठ किसी को नहीं चाहिए, सभी को सच चाहिए। ऐसा सृष्टि में कोई उत्पन्न ही नहीं हुआ और होगा भी नहीं जिसको झूठ चाहिए, सच नहीं चाहिए। सभी को सत्य चाहिए, इसलिए सत्य चित्त और आनंद और चेतन स्वरूप सत्य है, तो चेतन स्वरूप ज्ञान स्वरूप। किसी व्यक्ति को आप मूर्ख कहो, अज्ञानी कहो, पागल कहो, गधा कहो, वो लड़ने दौड़ेगा। क्यों? क्योंकि आत्मा ज्ञान स्वरूप है और मूर्ख अज्ञानी गधा सुनना पसंद नहीं कर, उसको पता है। लेकिन फिर भी किसी व्यक्ति को जाके कहो ना, ओ ज्ञानी महाराज, आप तो कहेगा नहीं नहीं मैं ज्ञानी नहीं हूं, मैं मूर्ख हूं। किसी को ज्ञानी कहो तो वो कहेगा ज्ञानी नहीं, लेकिन मूर्ख कहोगे तो लड़ने दौड़ेगा। यह भी आदमी की परेशानी है, दिक्कत है। ज्ञानी कहे तो आदमी स्वीकार नहीं करता अपने आप को, और मूर्ख कहे तो लड़ने दौड़ता, क्योंकि वो सच्चाई नहीं जानता। वो सोचता है कि ज्ञानी कहते हैं तो इस शरीर को ज्ञानी कह रहे हैं। शरीर मन बुद्धि में कोई ज्ञान नहीं, ज्ञान तो आत्म तत्व का स्वभाव, ज्ञान स्वरूप तो वह है। ये शरीर मन बुद्धि ये कोई ज्ञान थोड़े, ये तो प्रकृति जन्य ज्ञान है, ये तो पोथी पचड़े का ज्ञान है, ये तो निरंतर परिवर्तनशील ज्ञान है, ये ज्ञान ज्ञान नहीं है। ज्ञान स्वरूप तो आत्मा स्वयं है, इसलिए कोई भी मूर्ख कहलाना पसंद नहीं करता, सभी ज्ञानी कहलाना पसंद करते, क्योंकि आत्मा ज्ञान स्वरूप है। आदमी अपने को शरीर मानता है, इसलिए कोई ज्ञानी कहता तो वो सोचता है मेरा अहंकार बढ़ जाएगा, इसलिए अहंकार से बचने के लिए वो अपने को ज्ञानी कहलाना पसंद नहीं करता। बंदे को खुदा मत कहो, बंदा खुदा नहीं, लेकिन बंदा खुदा की जात से हरगिज जुदा नहीं। बंदे को खुदा मत कहो, बंदा खुदा नहीं, लेकिन बंदा खुदा की जात से हरगिज जुदा नहीं। इस शरीर को परमात्मा भगवान मत कहो। गुरुदेव ने आप पुस्तक लिखी, उसमें लिखा ईश्वर कभी मरता जन्मता नहीं है। कोई दुनिया में कहता है कि ईश्वर पैदा हुआ, ईश्वर मर गया, वो ईश्वर नहीं है। जो भी मरता जन्मता वो ईश्वर नहीं है। मरने जन्मने वाला किसी शास्त्र धर्म ग्रंथ में नहीं लिखा हुआ ईश्वर मरने जन्मने वाला। ईश्वर अजन्मा अमर अजर अनादि अनंत अविनाशी सत्ता है। मरने जन्मने वाले कई भगवान बने हुए जो घूम रहे हैं वो नहीं समझ पा रहे, अपने अहंकार वंश अपना ही पतन कर रहे हैं। इसलिए गुरुदेव तो हमें हमें शरीर के अहंकार से हटाते हैं और बार बार कह रहे थे भैया ये शरीर गुरु नहीं होता, गुरु तो अजन्मा अमर अजर अनादि अनंत सत्ता है, वो आप सबके भीतर मौजूद है। ये तो घड़ा है, घड़ा जो लिए बैठे हो ना भैया, ये आज नहीं तो कल गलना है, कल फूटना है। जल बिच कुंभ, कुंभ बिच जल है, बाहर भीतर पानी, विघटा कुंभ जल जल ही समाना, यह गति बिरले ने जाना। तो ये घड़े का जब अहंकार गल जाएगा ना,
तब घड़े के भीतर भी पानी है, बाहर भी पानी है, वो एक हो जाएगा, फिर पता नहीं लगा सकता बाहर वाला पानी कौन सा है, भीतर वाला पानी कौन सा। अभी बाहर वाला पानी अलग लग रहा है, भीतर वाला पानी अलग लग रहा है, क्योंकि हम घड़े रीति अहंकार रूपी दीवार खड़ी है। अभी जितने सुनते हैं, जितने बातें करते हैं, सोचते हैं कि वो अज्ञानी है और मैं ज्ञानी हूं। गुरुदेव कहते हैं वो ही भैया सब रूपों में, वो मर्था ईश्वर रूप बदलते हुए नीचे उतरा, सब रूपों में वही वह बन के बैठा। गुरुदेव तो दीक्षा ले कहते हैं, दीक्षा लेते हुए कहते हैं भैया ये राधा तत्व है और ये कृष्ण तत्व है, इशारा करके साफ उनको बता रहे। गुरुदेव कितने, गुरुदेव की दृष्टि कितनी ऊपर है, हमें क्या बताना समझाना चाहते हैं। निराली बात, एक एक बात में कितनी निराली बात, कितनी सर्वोच्च सर्वोच्च दृष्टि, कितनी मैं ऊपर बैठ गया, आप नीचे बैठ गए, मैं कोई महान नहीं हो गया, आप कोई छोटे नहीं हो गए, जैसा मैं हूं वैसे आप हो। ये तत्वमसी का उपदेश है, जैसा मैं हूं ऐसा आप, वेद यही कहते हैं तत्वमसि, तुम भी वही हो, अर्थात तुम भी ब्रह्म ही हो। यह गुरुदेव की जो अमृत वाणी है, अनमोल वाणी है, हम इसे बार बार सुने, बार बार गुरुदेव से प्रार्थना करें कि आप हमें ये वाणी, अमृत वाणी सुनाओ, हमें समझाओ। इसमें जो आपने अमृत दी, अमृत उड़ेला है, एक एक बात में जो रहस्य भरा है वेदों का, उपनिषदों का, शास्त्रों का, वो हमें जगाना चाहते हैं। हम अपने आप को शरीर घड़ा मानने के लिए तैयार नहीं। अरे घड़ा मानो ना, हर समय अपने को क्या मानना, गुरु ने हमें घड़ा ही कहा है, शरीर को तो घड़ा ही है। संतों ने इसको पंच तत्व का पुतला कहा है, रज गिरज की बूंद कहा है, चदरिया झीनी रे झीनी कहा है, और हम कह रहे पानी को एक बुलबुलो रे धरो आदमी ना, यह तो स्वरूप तुम्हारो ना ही, कहते इसे हार जा, तुम आत्म अविनाशी प्यारे नहीं आए नहीं जाना, और कर्तव्य तुम्हारो ना ही, पालो तुम निर्मल ज्ञान। हमारा तो उद्देश्य मनुष्य जन्म लेने के बाद ये निर्मल ज्ञान प्राप्त करना, आत्म ज्ञान प्राप्त करना। गुरु गुरु जो हमें रास्ता बता रहे हैं, इसके द्वारा हमें अपने स्वरूप का बोध करना, अपने और विश्व की यथार्थता का बोध करना, यही हमें मुख्य उद्देश्य है मनुष्य जन्म लेने। बाकी इसलिए गुरुदेव कहते हैं ना भैया ये सब काम करते हुए नाम जप करते हुए करो, नाम जप और ध्यान ये नियमित, जो कुछ परिवर्तन आएगा सब नाम से आएगा, ये नाम चाबी। कलयुग में बस कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर न उतरे पार, कलयुग ज्ञान न भक्ति विवेकु, राम नाम अवलंबन एक, एक राम नाम का सहारा ही सब कुछ पार पाए। लेकिन फिर भी हम ये जब हम विचार नहीं करते हैं, फिर भी हम रुचि नहीं जगा पाते हैं अपने मनुष्य योनि के अनमोल जो जीवन है, उसको हम समझ नहीं पाते हैं, हम अपने अहंकार को गलाएंगे नहीं, तो हम कैसे हम आनंद को प्राप्त कर सकेंगे। अहंकार की जो मोटी दीवार है नहीं, उसको हम जो शायद लोग कहते हैं वैसा ही अपने आप को मानने लग जाएंगे, तो हम कैसे सुख को प्राप्त करेंगे। मोह सकल व्याधि कर मूला, तांते उपजे पुनि भव सूला। मोह सारे दुखों का मूल है। हम उस मोह को जब हम समझेंगे, मोह के स्वरूप को, तब हम मोह को हटा पाएंगे। हमें मोह के स्वरूप को जब समझेंगे कि शरीर को मैं नहीं हूं, जब शरीर मैं मानते हैं ना, तभी कहते हैं ये पत्नी है नहीं है। अपने को आत्मस्वरूप देखो, पत्नी भी आत्मस्वरूप दिखेगी। दृष्टि यदि दृष्टि बदल गई तो सृष्टि पूरी बदल जाएगी। यीशु तो बाइबल में यहां तक कहते हैं एक अकेली आंख ही शरीर का दीपक है, यदि आंख निरोग है तो शरीर प्रकाशमय होगा, और आंख रोगी है तो शरीर अंधकारमय होगा।
यही बात वेदांत कहते हैं, जब दृष्टि तब सृष्टि, जहां दृष्टि वहां सृष्टि, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि ही सृष्टि है। बहुत बहुत ही गहरा सिद्धांत है, बहुत गहरा गुरु भाई, बहुत बहुत गहरा। और जितना सरल करके गुरुदेव ने कहने की कोशिश की है, लोगों ने उसको उसकी सरलता को ऐसा समझ लिया कि यार ये तो ऐसे ही कह रहे हैं, ठीक है, वो मतलब उन्होंने हल्के में ले लिया गुरुदेव की बात। आज आपकी बात सुन के बहुत लोगों की दृष्टि बदल जाएगी, और खासकर ऐसे लोगों की दृष्टि बदलने की जरूरी आवश्यकता है जो ये मान बैठे हैं कि गुरुदेव एक शरीर हैं या एक शरीर थे, और उनके वीडियोस, उनकी उनके उनके कहे गए वचन, वो भी एक मैटर है, एक मटेरियल है जो कॉपीराइट है, ठीक है, और गुरुदेव पे उनका एकाधिकार है, उनका विचारों का अपना खुद का पता नहीं है कि कल जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे, लेकिन उसके ऊपर एकाधिकार है, क्योंकि वो अभी तक ये नहीं समझ पाए कि गुरुदेव क्या कहना चाह रहे। गुरुदेव यही कह रहे कि आप शरीर नहीं हो, ये आत्मा है, आत्मा अजर अमर है, मैं तो आपको आपसे परिचय करवाऊंगा, लूंगा दूंगा कुछ नहीं, कोई गुरु कुछ लेता देता नहीं है भाई, कह तो ठीक है, मैं तो कहता हूं कि जो मुझ में है परिवर्तन वो आप सब में आ सकता है, सब्जेक्ट टू आप सरेंडर करो, गुरु के प्रति सद्भाव से नमस्कार करो। तो गुरु भाई बहुत आनंद आया, बहुत नशा भी है, और जितने लोग सुनेंगे, जितने लोग सुन रहे हैं आज नहीं, ये आने वाले लंबे समय तक सुना जाएगा, समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग का एक ऐसा शिष्य है जो उतनी ही सरलता लिए हुए है आपके जैसा, उसकी बात को भी उतने ही प्रेम से सुना जा रहा है, सुना जाएगा, और जिस तक ये बात पहुंचनी होगी उस तक ये बात जरूर पहुंचेगी। तो मैं आपका किन शब्दों में धन्यवाद करूं, मेरे पास शब्द खत्म हो गए, लेकिन आपसे गुरुदेव बुलवा रहे हैं ये सारी बातें और सरल करके समझाने के लिए। तो जिन गुरु भाई ने ये सवाल किया था कि एक स्थूल शरीर में गुरुदेव ज्यादा प्रभावी रहते हैं, उनको मैंने जवाब भी लिखा कि भैया मैं तो कभी ऐसे गुरु से मिला ही नहीं, मेरे को तो मालूम ही नहीं था ऐसा कोई गुरु भी है, मैं जिस गुरु को जानता ना वो मेरे अंदर बैठा है, और गुरुदेव की वो बात साबित होती है कि आप में और मुझ में कोई फर्क नहीं है, मैं आप में हूं और आप मुझ में हो। आप जैसे अपनी ये बात कहते हैं ना, तो जो बेचारे नहीं समझते, जिनकी दृष्टि नहीं है, आंख के अंधे, अकल के अंधे हैं, वो ये कहते हैं यार ये गुरु बन गए, रोज नए गुरु पैदा हो गए। मैं बोल रहा हूं ये 750 करोड़ लोग हैं, सारे गुरु हो जाएंगे, ये सारे रामलाल सियाग हो जाएंगे, ऐसा ही करने के लिए गुरुदेव आए हैं ना। एक ही तत्व है, वो भीतर अपनी इच्छा होगी तब प्रकट हो जाएगा भीतर से। बिल्कुल, गुरुदेव यही कहते हैं कि भाई वहां विदेश में गया तो भाई वो कह रहे कि साइंस इज गॉड, अरे गुरुदेव कह रहे गलत बोल रहे हो, गॉड इज साइंस बोलो। भाई पहले तो ईश्वर ने मनुष्य का निर्माण किया, सृष्टि का, एक नहीं, फिर उसको बुद्धि दी, तो बुद्धि से साइंस का निर्माण हुआ, तो पहले ही से ईश्वर तत्व जो आध्यात्मिक आत्म तत्व है वो पहले से ही मौजूद है, वो सबसे प्रथम है, सबसे पहले, तो पहले से ही ये जड़ प्रकृति तो बाद में निकली, उससे बाद में निकली, आठ प्रकार की कहा मेरी जड़ प्रकृति, नवी जीव रूपा चेतन प्राय प्रकृति, तो जड़ प्रकृति को ही गॉड कह रहे हैं। अब उसी जड़ प्रकृति को गुरु भाई, वो जो जड़ प्रकृति को गॉड कह रहे हैं ना, उसी के काट करने के लिए ये जो कार्यक्रम चल रहा है ना लेबोरेटरी वाले, उसमें गॉड गॉड साइंस इज गॉड वाले बेचारे हाथ जोड़ रहे। अभी भी एक डॉक्टर गुरु भाई आए कोटा के, डॉक्टर है, MBBS है, 1999 से दीक्षित है, नाम नहीं लूंगा उनका मैं, वो अपनी स्थिति बता रहे हैं, और वो मतलब एक तरह से डिप्रेशन जैसे उसमें स्टेट में। तो मैंने कहा गुरु भाई, हमारे ओम प्रकाश गुरु भाई कहते हैं कि ईश्वर आनंद स्वरूप है,
आप बात कर रहे हो, आपके बात सुन के आनंद नहीं आ रहा, चक्कर क्या है? तो या तो हमारे गुरु जी ईश्वर नहीं है, या ईश्वर की बात में आनंद नहीं। तो आपको आनंद आएगा, आप ये सारी जो राजनीति हुई सब छोड़ छाड़ दो, कुछ नहीं। आप मेरे को मेडिकल की भाषा में ये समझा दो कि ये क्या है। तो क्या इसको हमारी मेडिकल की भाषा में एंजाइटी या डिप्रेशन या एक्यूट डिप्रेशन कहते हैं। तो मैंने कहा मेडिकल की भाषा में हो गया, और गुरु जी कह रहे कोई रोग असाध्य नहीं है, इसका मतलब ये कोई रोग नहीं है, तो आपका ये डिप्रेशन भी खत्म हो जाएगा। जो विजातीय तत्व आपके अंदर है ना, वो भाग जाएंगे, और देखना कैसे भागते हैं, फिर आप बताना कि ये क्या चीज है। तो पता नहीं इस बार गुरुजी के क्या सवार हो रखी है कि वो डॉक्टरों को पकड़ पकड़ के ला रहे, सारे डॉक्टरों को पकड़ पकड़ के ला रहे, और उनसे ये कहलवाना है। गुरुजी ने कहा ना कि मैं वेस्ट मानता है कि हम मूर्ति पूजक हैं, ऑर्थोडॉक्स हैं, मैं तो उनसे ये कहलवाना चाहता हूं। तो ये परिवर्तन का समय है गुरु भाई, ये ऐसा युग है, और हम गुरुदेव के एक यंत्र बने, गुरुदेव की बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, यही अपने आप में परम सौभाग्य है। जी गुरु भाई, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, गुरुदेव की कृपा से। जो गुरुदेव कहते हैं जब ये भौतिक भौतिक चेतना है, लेकिन भौतिक चेतना जब आध्यात्मिक चेतना के अधीन जब काम करेगी, तब ये धरती पर स्वर्ग उतर आएगी। तो जैसे ही नाम जप और ध्यान निरंतर करेंगे, और जब छल कपट नहीं रखेंगे, और भाव गुरुदेव के प्रति अहो भाव रखेंगे कि उनसे मिलना हुआ, उनके दर्शन हुए, उनके विधि को, उनके तरीके को समझ पाए, उनके अमृत वचनों को हम सुन पाए, और ये निरंतर जब हम नियमितता से उसको देखेंगे, तब हम हमारी जो आध्यात्मिक चेतना विकसित होगी, तब हमें भौतिक चेतना के ऊपर कब्जा करती हुई अनुभव होगी कि हमारी अब मन को शिकंजे में ले रही है, हम बुद्धि को शिकंजे में ले रही है, अब हमारी इंद्रियों को शिकंजे में ले रही है, अब हमारी इंद्रियां उनके नियंत्रण में काम कर रही है। यह हमें सहज सरल भाषा में यह हमें अपनी अपना अनुभव होगा, तब हमें पता लगेगा कि हाँ ये अब इस जगह पे, इस धरा पे, इस जीवन में ये स्वर्ग उतर आया है, आनंद उतर आया है। अब सब जगह आनंद है, आनंद ही आनंद है। आनंदो आनंदाद एवं खद्विमान भूतानि जायन्ते, आनंदेन जातानि जीवन्ति, आनंदम प्रयन्ते सम विसंत। आनंद से ही सभी प्राणी उत्पन्न हो रहे हैं, आनंद में ही सभी प्राणी जीवित है, और सुषुप्ति काल में, मोक्ष स्वरूप प्रलय काल में, आनंद में ही सब, हर स्थिति में, हर क्षण आनंद के साथ, आनंद से किंचित मात्र भी भिन्न। उसका अपना स्वभाव है, वो तो सच्चित आत्मा का स्वभाव है, सच्चित आनंद, उससे भिन्न था नहीं, हुआ नहीं, हो सकता नहीं। जगत गुरु शंकराचार्य तो कहते हैं कि तीनों लोकों में सभी प्राणी सुख चाहते हैं, दुख कोई नहीं चाहता। बस दुख के दो मूल कारण है, देह के प्रति मैंपन का भाव, और वस्तुओं व्यक्तियों के प्रति मेरेपन का भाव, और कोई दुख का कारण नहीं। देह के प्रति मैंपन का भाव रखने का अर्थ होता है अहम, मैं इस शरीर इस नाम रूप वाला हूं। गुरुदेव कहते हैं ना, भैया घोड़े के एक रकाब में पांव रखे दूसरे में रख नहीं सकोगे, शर्त है कि ये तुम्हारा अहम नहीं रहना चाहिए। कितना समय लगेगा, तब गुरुदेव वो अष्टावक्र गीता में राजा जनक का, तो ये अहम है, ये जिंदा है, इसलिए हमें ये सुख चैन आनंद लेने नहीं देता। ये कहता है मैं उस पद पे हूं, पढ़ा लिखा हूं, जाति धर्म वाला हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं समझदार हूं, विवेक हूं, बुद्धिमान ये हूं, वो हूं, अपने देह को मान कर, यह अहम जो जिंदा, एक खुद ही पर्दा है। एक शायर ने कहा, एक खुद ही वरना पर्दा है, वरना वह तो बेनकाब हूं मैं तो यार के, एक खुद ही पर्दा, वो थे न मुझसे दूर न मैं उनसे दूर था, आता न था नजर तो नजर का कसूर।
कि हमारा नजर का कसूर है, वो हमारे पास होते हुए भी, हमारे आत्मस्वरूप होते हुए भी वो हमें नजर नहीं। सत चित आनंद कोई अनुभूत नहीं दे सकता जी गुरु। आनंद आ गया। अब एक किसी शायर की लिखी हुई गजल का एक शेर जो कल मुझे कहीं पढ़ने को मिला, मैं रिलेट कर पाया, इसलिए मैंने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाया था, वो भी मैं सबसे शेयर करता हूँ, फिर इस कार्यक्रम को गुरुदेव के चरणों में रखेंगे। वही वाली बात गुरु जी की, मुझे न ढूंढ जमी और आसमां की गर्दिश में, मुझे न ढूंढ जमी और आसमां की गर्दिश में, तेरे दिल में नहीं हूं तो फिर कहीं नहीं हूं मैं। बिल्कुल बिल्कुल का वासी है, ये बात प्रमाणित होती। बिल्कुल यही बात है ना, भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्र आरूढानि माया। कहते हैं कि एक मैंने कहीं प्रेरक प्रसंग पढ़ा था कि एक कोई आदमी मक्का जा रहा था, तो रास्ते में कहीं रुका तो एक मस्त फकीर, सूफी फकीर थे, वो मिले थे, तो उनके वहां रुका रहा, तो उनसे पूछा भाई क्या काल आज, क्या तेरी इच्छा है, कहाँ जा रहा है? तो उन्होंने कहा मैं मक्का जा रहा हूं। तो उन्होंने कहा क्या करेगा वहां जाके? तो कह वहां दान पुण्य करूंगा, वहां वहां नमाज अदा करूंगा मालिक के। तो उन्होंने कहा कि एक बात मेरी मान ले, मैं तुझे कहता हूं कि जब तू मक्का बना आज तक, तब तक वहां खुदा आकर के आज तक कभी रहा नहीं, और जब तक ये शरीर चलता फिरता रहेगा तब तक इसको छोड़ के कभी वो बाहर गया नहीं। मैं तुझे विधि बता देता हूँ, तरीका, इस तरीके से तू सुमरण कर, और जो दान पुण्य पैसे दाया वो मुझे दे दे, मैं गरीबों को दीन दुखियों को बांट लूंगा, और इस विधि से अरदास करके तू अपने ही भीतर जुड़, अपने भीतर बैठे हुए खुदा से। न मंदिर में मौजूद है न मस्जिद में खुदा है, जिस दिल में मोहब्बत है उस दिल में खुदा प्रेम। यूं तो बहुत से रास्ते दिल की तरफ जाते हैं, राहे मोहब्बत से आओ तो फासला बहुत कम, प्रेम के रास्ते से आते हैं तो हम शीघ्र ही उनसे पास आ जाते हैं, और हम जान पाते हैं कि वही वह है और दूसरा कुछ भी नहीं। उन्हीं की शक्ति से, उस अंतर्यामी परमेश्वर स्वरूप सदगुरु भगवान की शक्ति से ये आंखें देख रही है, ये कान सुन रहे हैं, ये मुंह बोल रहा है, जीभ स्वाद ले रही है, ये हाथ पांव दौड़ के काम कर रहे हैं, ये बाल बढ़ रहे हैं, नाखून बढ़ रहे हैं, उन्हीं की शक्ति से, अंतर्यामी परमेश्वर की शक्ति से सभी नसों नाड़ियों में खून दौड़ रहा है, दिल की धड़कनें चल रही है, सांसें ऊपर नीचे अंदर बाहर हो रही है, उनकी शक्ति से मन संकल्प विकल्प प्रयत्न कर रहा है, बुद्धि आकृति बनाने निर्णय निर्णय निश्चय करने का काम करती है, विषय इंद्रियां विषय ग्रहण कर रही है, तमोगुणी रजोगुणी सतोगुणी सब वृत्तियां उत्पन्न हो रही है, स्थित हो रही है और वापिस लीन हो रही है, फिर भी वो अपने आप में सच्चित आनंद स्वरूप में भीतर क्यों के क्यों विराजमान। गुरुदेव की कृपा अपरंपार है, वो सच्चिदानंद स्वरूप परब्रह्म परमात्मा स्वरूप समर सदगुरुदेव जी के चरण कमलों में बार बार वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ, एक भजन गुरुदेव जी के चरणों में पेश करना चाहता हूँ। गुरुदेव की कृपा से दरबार में सच्चे सदगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दरबार में सच्चे सदगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते, दुनिया के सताए लोग यहाँ, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं, दरबार में सच्चे सदगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, यह महफिल है मस्तानों की, हर शख्स यहाँ मतवाला है, यह महफिल है मस्तानों की, हर शख्स यहाँ मतवाला है,
भर भर के जाम ज्ञान रस के यहाँ खूब पिलाए जाते हैं। भर भर के जाम ज्ञान रस के यहाँ खूब पिलाए जाते हैं। दरबार में सच्चे सदगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। ए जग वालों क्यों डरते हो इस दर पे शीश झुकाने से। ए जग वालों क्यों डरते हो इस दर पे शीश झुकाने से। ए नादानों ये वह दर है, ये नादानों यह वह दर है जहाँ सर बैंट चढ़ाए जाते हैं। दरबार में सच्चे सदगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। जिन प्यारों पर ए जग वालों हो खास इनायत सतगुरु की। जिन प्यारों पर ए जग वालों हो खास इनायत सतगुरु की। उसमें सतगुरु में भेद नहीं यह ज्ञान कराया जाता है। उनमें सतगुरु में भेद नहीं यह ज्ञान कराया जाता है। दरबार में सच्चे सदगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते। सर्वं खलविदं ब्रह्म तत्जला निति शांतोपासित। आनंद आया गुरु भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बारिश हुई आनंद की। ऐसी बारिश होती रहे और हम गुरुदेव के चरणों में बैठ करके ऐसे ही भीगते रहे, यही प्रार्थना के साथ सब गुरु भाई बहनों को हम जय जय गुरुदेव कहते हैं। और अगली बार गुरुदेव बुलाएंगे तो डेफिनेटली जरूर आएंगे। सब गुरु भाई बहनों को बारंबार जय गुरु। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।